नमस्ते फैफुला, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। तो जो जो अभी हेयर का जो कोर्स सीख रहे हैं तो उन लोगों के लिए बेसिक नॉलेज लाइक रूट कलर कैसे अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ओनली रेड कलर करती है तो जस्ट उनको रूट टचअप करना है और इसमें थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करना है। तो देख सकते हैं उनका रूट वाइट हेयर, ऑलमोस्ट 50% उनका ग्रे हेयर है, देख सकते हैं। तो हम लोग आपको सेक्शन बाय सेक्शन दिखाएंगे कैसे अप्लाई करना है, तो बने रहिए मेरे साथ। आप लोगों को लेना है 4 सेक्शन, सेक्शन कर लीजिए, अच्छे से कॉम कर लीजिए। पहले लगाइए हेयरलाइन, इधर से स्टार्ट कीजिए। ये मेन आप लोगों का यही है हेयरलाइन, ये कवर होना है अच्छे से। सो फ्रॉम एवरीवेयर आप लोग अच्छे से एप्लीकेशन कीजिए। एक्चुअली मैंने ग्लोव्स नहीं पहना है क्योंकि मैं जस्ट दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग ग्लोव्स लगा के करेंगे तो आप लोगों का हाथ के लिए भी सेफ्टी होगा और इट्स प्रोफेशनल भी लगेगा। तो थोड़ा सा आपको स्टेप दिखा देती हूँ ये सब लगाने के बाद, फिर आप सेक्शन बाय सेक्शन थीन सेक्शन लीजिए। इधर दिख रहे थिन सेक्शन लीजिए, बहुत ही पतला सेक्शन, तो जस्ट रूट में लगाइए। तो ये वीडियो कंटिन्यू करेगी मेरी एक दोस्त संजू। तो अभी संजू स्टार्ट कर रही है, देख सकते हैं वो कैसे लगा रही है, अच्छे से हेयर लाइन को कवर कीजिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा नज़दीक से। मेन पार्ट है ना, ये पार्ट कवर नहीं होता है और जो फ्रंट में होता है जिसके छोटे छोटे हेयर होते हैं तो वो कवर नहीं होते। अगर आप बेस कलर ले रहे हो नंबर 3 नंबर 4 या आपके पास कुछ भी है लाइक वैसलिन वगैरह, या तो पहले ये हेयर लाइन में लगा लीजिए क्योंकि बाद में आपको फिर वॉशिंग के टाइम कलर रिमूव करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो वो स्टेन रह जाता है। फिर इसको अच्छे से टाई कीजिए। वॉशिंग के टाइम पहले याद कीजिए आप ये हेयर लाइन को अच्छे से एमल्सीफाई करेंगे। कम देखना लिटिल पानी से रिंस करोगे। Character.
बोले, रजिता बोले, रजिता मोल बिकम रेड। सी सी रजिता मोल, रजिता मोल्स हेयर बिकम सो रेड के शी लव रेड। मैडम का स्टाइलिंग वगैरह सब हो गया, देख सकते हैं हमारा क्लाइंट का, और रूट का कवरेज देख सकते हैं।